जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि मैंने भस्म आरती किस तरीके से अटेंड की थी, तो ये है कुछ उसकी ग्लिम्स। अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले प्रीवियस वीडियो देखिए जिसमें पूरी मैंने भस्म आरती आपको दिखाई है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भस्म आरती में बैठने के लिए VIP सीट्स या प्रोटोकॉल सीट्स किस तरीके से ली जाती हैं, तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, इससे पिछले वाला वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जल अभिषेक के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, तो ये आप आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जय श्री महाकाल। 5:59 पे भस्म आरती पूरी तरह से अब हो चुकी है, तो अब जा रहे हैं जल अभिषेक करने के लिए। तो यहीं से अंदर पहले बाहर निकलना पड़ेगा, फिर उसको आ रही है ना क्लियर अब यहाँ से फिर घूम के अब जल अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप भस्म आरती के तुरंत बाद जल अभिषेक करना चाहते हैं तो आपको जल अभिषेक करने के लिए पहले से ही टिकट लेकर आना पड़ेगा, ताकि भस्म आरती के तुरंत बाद आप जल अभिषेक करने जा सकें, आपको वापस ना आना पड़े। तो इसलिए पहले से ही जल अभिषेक की टिकट पहले ही कटवा कर अपने साथ लेकर आएँ, जो कि 750 रुपये पर हेड है और दो जने की है 1500 रुपये। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे ना कि मेरी एज कम है तो मैं साड़ी पहनूं नहीं पहनूं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, चाहे एज ग्रुप कोई भी हो, साड़ी पहनना कंपलसरी है, ठीक है। तो अब ये देखो एग्जांपल। जल अभिषेक करने का जो समय है सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है और सुबह 10 बजे तक चलता है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे भीड़ कम होती है ना, तो हफ्ते में 3 बार जल अभिषेक फ्री होता है, जो कि होता है मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार। ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, हफ्ते में ये 3 दिन जल अभिषेक फ्री होता है, लेकिन तब फ्री होता है कि जब भीड़ कम होती है ना, तब वो फ्री होता है। अगर जब भीड़ ज़्यादा होती है तो वो फ्री वाले जो जल अभिषेक होते हैं ना, वो बंद हो जाते हैं। और टाइमिंग है दोपहर 1 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक का। ध्यान से पढ़ लीजिए, इसके आप बहुत सारे सवाल पूछते हो ना, तो ये चीज़ सामने लिखा हुआ है, ध्यान से इसको नोट करना। करंट रूल अभी गर्भगृह का ये है कि आप गर्भगृह में कुछ भी ले जा नहीं सकते, जैसे कि आपने बाहर देखा बोर्ड पे लिखा हुआ था, पर्स वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। और ख़ासकर याद रहे कि आपको चमड़े की कोई चीज़ नहीं लेके जानी, क्योंकि भगवान का गर्भगृह है तो उसमें कोई भी लेदर से बनी हुई चीज़ नहीं लेके जाएँ, ठीक है। और अगर आपको रुद्राक्ष माला भोले बाबा से टच करानी है, शिवलिंग से टच करानी है, तो वो सूची होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, पहनी हुई माला को शिवलिंग से ना छूएँ, ठीक है। गर्भगृह में अब फूल प्रसाद आप नहीं ले जा सकते, पिछली बार मैं गई थी ना तब ले जा सकते थे, बट यहाँ पे रूल्स चेंज होते रहते हैं, तो अभी करंट रूल जो है वो यही है। और सुबह सुबह का मौसम आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, अभी 6 बजे का टाइम है और आप देख सकते हैं सुबह का मौसम कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अभी मैं जल अभिषेक करके आ चुकी हूँ, तो उसके बाहर का व्यू कुछ इस तरीके का है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हर बार रूल्स चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, तो अभी के जो रूल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, और आने वाले टाइम में क्या रूल्स बन जाएंगे तो वो मैं तभी बता पाऊँगी। बाकी ड्रेस कोड तो आपको कंफर्म हो ही गया होगा, मैंने दिखा ही दिया आपको कि गर्भगृह में जाने के लिए साड़ी पहनना कंपलसरी है। फॉल पीको ये ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे प्रॉपर साड़ी होती है वैसी साड़ी आप पहन सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मेल हैं तो आपको धोती पहनना ज़रूरी है। अगर अब मैं तो दर्शन करके आ गई हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये 3 दिन पहले ही इम्प्लीमेंट हुआ है ना, और अब हमेशा के लिए हो गया, पहले नहीं था लेकिन अब हमेशा के लिए हो गया, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अगर आप भस्म आरती के तुरंत बाद जल अभिषेक नहीं करना चाहते तो आप बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक टाइम है जल अभिषेक करने का, और जल अभिषेक करने की जो टिकट है बड़े गणेश के मंदिर के पास से मिल जाती है आपको। आप एक और चीज हो गई है, रील्स बनाना बिल्कुल बंद है मंदिर प्रांगण के अंदर मना कर दिया गया है एक रील बनाने के बाद कि यहाँ पे रील्स वीडियोस नहीं बनाने। ऐसा क्यों कर दिया, बाहर तो बाहर भी वीडियो बनाने में प्रॉब्लम है क्या? सुबह सुबह का टाइम इतना अच्छा लग रहा है। Thank you.
इस वक्त मैं हूँ मंदिर प्रांगण के अंदर। तो ये है प्रसाद काउंटर, तो यहाँ से आप अलग अलग रेट के प्रसाद हैं तो यहाँ से आप ले सकते हो। और अन्य क्षेत्र में खाना खाने का टोकन भी यहीं से मिलता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर भी 3 फोटोज क्लिक करवाए हैं, क्योंकि अपनी वैसे आजकल के टाइम में ना फोटो डेवलप तो कोई कराता ही नहीं है, फोन में रहते हैं फिर एक दिन वो गुम हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हर जगह जाके ना अब फोटो वैसे डेवलप करवा के लिया करूँगी उसकी कॉपी, और फिर अपनी स्क्रैप बुक में, ट्रैवलिंग स्क्रैप बुक में लगाऊंगी। तो एक मेमोरीज बन जाती हैं, फिर लाइफ टाइम तक की मेमोरीज बन जाएंगी। तो इसलिए फिर मैंने यही सोचा है कि मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। इसलिए मैं ओंकारेश्वर भी गई थी, तो वहाँ पर भी मैंने फ़ोटो क्लिक्स करवाई थी, वो मैं दिखाऊँगी आगे। और अभी मैं यहाँ पे आई, मैंने 3 फ़ोटो क्लिक करवाई हैं, तो वो 3 फ़ोटो क्लिक करके दिया उन्होंने मुझे 50 रुपीज़ पर फोटो है, और अगर बड़ा फ़ोटो चाहिए तो आपको 100 रुपीज़ का मिलेगा। लेकिन मेरे स्क्रैप बुक के लिए 50 रुपीज़ वाला जो साइज़ है ना बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी बहाने यादगार लम्हे जो है मैं अपने बुक में कैद कर पाऊँगी, वरना तो हमेशा फ़ोन में रहते हैं फिर गायब हो जाते हैं, एक दिन कोई वो मेमोरीज ही गायब हो जाती हैं, तो वो मैं नहीं चाहती। उसके कैमरे से ज़्यादा ना मेरे आईफोन से ज़्यादा मस्त फोटोज़ आई हैं। आईफोन की फ़ोटो इतनी मस्त आई है ना, मैं क्या ही बोलूँ। ऐसा लग रहा है बस डेवलप करने के पैसे में दे रही हूँ, उसके कैमरे में बिल्कुल अच्छी फ़ोटो नहीं आई। मतलब कलर वाइब्रेंसी ये सब अच्छा नहीं आया, क्योंकि वो विदाउट एडिटिंग देते हैं, वो ऐसे नहीं देते। लेकिन हाँ, अब आईफोन में एडिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हेलो जी, तो मैं अब अपने रूम में आ गई हूँ और मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद, बहुत थक गई हूँ मैं। और यहाँ पर देखा आपने कैसा रहा आज का आपका भस्म आरती का पूरा का आपको मैं आज मैंने पूरा भस्म आरती का प्रोसेस दिखाया, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो अभी मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो इस वक्त मेरी हालत कुछ चंडिका माई जैसी हो रही है, क्योंकि मैं अभी सो के उठी हूँ और मैं ऐसे ही सो गई। मैं जैसी आई थी मैं वैसे ही लमलेट हो गई। मैं लेकर चलती हूँ आपको सबसे पहले देवास गेट बस स्टैंड लेकर चलती हूँ। वैसे तो देखो मैं ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी ऑनलाइन बुकिंग नहीं, मैं जाके देवास गेट पे देखती हूँ कि कितना रेट का फ़र्क आ रहा है बस स्टैंड से बुक करने पर, ठीक है? तो ये देखना है, और आप लोगों को भी दिखा दूँगी कि यहाँ से बसेस मिलती हैं, और उसके बाद मैं आपको ले चलूँगी महाकालेश्वर अन्य क्षेत्र। कि अगर आपको जैसे अगर आप फ्री में खाना खाना चाहते हैं, जिसका टोकन मिलता है 11 बजे काउंटर खुलता है, तो मैं वो भी दिखाना चाहती हूँ कि अंदर से वो कैसा है, खाना कैसा है, क्योंकि वो भी देखना आपके लिए ज़रूरी है, और वो खाना भी ज़रूर खा के जाना चाहिए आपको, मंदिर का ही खाना है वो, ठीक है? तो आज हम ये दोनों जगह चलते हैं, टाइम बचा तो और भी कहीं चल लेंगे, ऐसी क्या बात है ना? तो चलो अभी मैं अपना हुलिया सुधारती हूँ और फिर कपड़े चेंज करती हूँ। साड़ी में तो मुझसे कहीं नहीं घूमा जाएगा, और अपने आते हैं वापस अपने कपड़ों पे, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।